भ्रष्टाचार में हुदबांझली मुल्क का। 370 क्या हटा, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई। और तो और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ की परत दर परत कलई खुल गई। खुद पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब होने के बाद अब अपने ही लोगों के निशाने पर आ गया है। ये कहना दुरुस्त होगा कि जिस दिन से 370 हटा उसी दिन से इमरान खान को खुद पाकिस्तानी सलाह दे रहे हैं कि भारत और मोदी से लड़ाई ठीक नहीं, पाकिस्तान को अपने झूठ पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। पहले तो इक्का दुक्का लोग ही दबे मुंह इमरान खान की आलोचना करते थे, लेकिन अब तो लग रहा है पूरा पाकिस्तान इमरान खान पर टूट पड़ा है। आज हम इसी कड़ी में पाकिस्तान के दानिश्वर पत्रकार हामिद मीर की बात करेंगे, जो पहले तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और कश्मीर की जनता पर पाकिस्तान का पक्ष लेते थे, लेकिन अब लगता है कि वो भी पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुट गए। तभी तो इमरान खान और पाकिस्तान की बखिया उधेड़ते हुए हामिद मीर ने अपने ही चैनल की वेबसाइट पर एक लेख लिखा है। हामिद मीर ने लेख की शुरुआत कुछ इस तरह की कि जो लोग असफलता या गलती को स्वीकार करते हैं उन्हें बहादुर कहा जाता है, और जो लोग विफलता को छिपाने के लिए असफल होते हैं और झूठ बोलते हैं वे न केवल कायर होते हैं बल्कि जनता के सामने मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होते और विश्वास के लायक भी नहीं होते। इमरान खान भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं और पाकिस्तानी राष्ट्र से बड़ी विफलता छिपा रहे हैं। सवाल यह है कि 11 सितंबर को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने UNGA में दावा किया था कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान ने भारत की मांग करते हुए 50 से अधिक देशों के समर्थन में एक संयुक्त बयान पेश किया था। ये कश्मीर के कब्जे में मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए था। भारत ने शाह महमूद कुरैशी के बयान को तुरंत खारिज करते हुए कहा कि 50 से अधिक देशों के समर्थन का दावा एक सफेद झूठ है। फिर अगले दिन 12 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के बयान में 58 देशों का समर्थन मिला है। इसे लेकर इमरान खान ने बाकायदा सभी देशों को धन्यवाद दिया, लेकिन ये भी झूठ निकला। और जब सवाल किया गया तो कहा गया कि प्रधानमंत्री इमरान खान 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में नरेंद्र मोदी को बेनकाब करेंगे, लेकिन ये सब ऊपरी बात लगी और सब हवा हो गया। लेकिन जो हमें मालूम है उसके हिसाब से पाकिस्तान को इस प्रस्ताव के लिए 47 सदस्य देशों में से केवल 16 देशों के समर्थन की आवश्यकता थी और इसके लिए 19 सितंबर को दोपहर 1 बजे तक की समय सीमा थी। सुबह से ही मैंने इस्लामाबाद विदेश कार्यालय और जिनेवा में प्रमुख लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन करने वाले देशों के नाम का पता लगाया जा सके, लेकिन पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों ने कहा कि चिंता ना करें, संकल्प थोड़े समय में पेश किया जाएगा और फिर वे नाम आप जान जाएंगे। लेकिन हुआ वही जो होना था, एक बार फिर पाक की जनता से झूठ बोला गया और कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से संकल्प पेश नहीं किया गया है। ये सुनकर पहले तो मैं चौंक गया, फिर मैंने अपने से सवाल पूछा कि हमारे प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि 58 देशों का समर्थन का दावा है, उसका क्या हुआ? और एक बार फिर मैंने विदेश मंत्री से पूछा कि सर सवाल बहुत ही सरल है, अगर आपके पास 16 देशों का समर्थन नहीं था तो आपने 58 देशों के समर्थन का दावा क्यों किया, और यदि आपके पास अपेक्षित समर्थन था तो आपने क्या किया? विदेश मंत्री ने बड़े ही मासूमियत से मेरे सरल प्रश्न का उत्तर दिया कि आप घबराएं नहीं, भारत को हम बेनकाब कर देंगे। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि भारत के सामने पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए और अब कश्मीर पर कुछ नहीं होने वाला है, और तो और अब सब कुछ खत्म भी हो चुका है, लेकिन पाक सरकार अब भी झूठ पर झूठ बोले जा रही है। मेरा मानना है कि इस नाकामी को देखकर पाक जनता कभी भी इमरान खान को माफ नहीं करेगी।